हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल स्कीम में जो है यहाँ पे अगर आप जो है विकलांग हैं तो यहाँ पे जो है विकलांग के लिए जो है स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आप क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिजेबिलिटी, तो यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है नेशनल स्कॉलरशिप जो है स्टार्ट कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट की गई है इसके लिए जो लास्ट डेट है यहाँ पे प्री मैट्रिक के लिए 30 नवंबर 2023 रखी गई है, पोस्ट मैट्रिक डिजिबिलिटी के लिए 31 दिसंबर 2023 रखी गई है, उसी तरह से टॉप क्लास के लिए जो है यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप स्टार्ट नहीं की गई है। यहाँ पे जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का जो है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम जो है एससी के लिए जो है स्टार्ट कर दी गई है। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स की भी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी की भी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप भी आवेदन जो है स्टार्ट हो चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की भी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। WARB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी स्कॉलरशिप जो है स्टार्ट कर दी गई है। RPF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की भी स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी गई है और देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की भी स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी गई है सेंट्रल स्कीम के तहत। अब बात कर लेते हैं UGC AICTE स्कीम की जो स्कॉलरशिप है इसमें ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो है स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी गई है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज वाले को भी जो है स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी गई है। स्टेट स्कीम में किसी भी स्टेट की जो है स्कॉलरशिप जो है स्टार्ट अभी नहीं की गई है। तो अगर आप जो है नेशनल स्कॉलरशिप के तहत जो है आवेदन करना चाहते हैं तो पहले मैं कहूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट जो है बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है। जैसे जाति आवासीय आय हो गया, अपना करंट जो है बनवा लीजिए। अगर आपके जो है आधार में जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिंक ना है तो वो आप करवा लीजिए। अगर आपका जो है बैंक अकाउंट जो है आपके नाम पे नहीं है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो उस स्थिति में जो है अपना करंट जो अपना सेविंग अकाउंट जो है वो खुलवा लीजिए। और अगर आपका अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है तो वो भी आप करवा लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स है एकदम करेक्टली जो है प्रिपेयर करके रखिए। स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे स्टेट स्कीम की भी जो है स्कॉलरशिप बहुत जल्द जो है स्टार्ट होने वाली है। अगर आपके आधार में या बैंक अकाउंट्स में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स है तो देखिए आप जो भी स्कॉलरशिप आवेदन करते हो, चाहे आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स में नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ है सेम टू सेम आपके आधार बैंक अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आपका नाम मैच करना चाहिए। अगर किसी तरह की जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत है तो वो आप करेक्शन करवा लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। इसके डिटेल्स वीडियो हमने बताएंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पूरी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बात कर लें मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप की मेधा सॉफ्ट की, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक इंटर की बात करें तो यहाँ पे 2023 के लिए जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके देख रहा हूँ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है मगर यहाँ पे डेट जो है एक्सटेंड हुआ है कि नहीं ये अपडेट यहाँ पे नहीं शो हो रही है। तो मे भी लगता है कुछ डेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर मैट्रिक के खोल रहे हैं और इंटरमीडिएट की तो यहाँ पे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे हो रही है मगर यहाँ पे डेट जो है अपडेट नहीं हुई है। तो देखिए बढ़ती है या डेट या खत्म होता है, इसकी डिटेल्स जो है बहुत जल्द जो है अपडेट की जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को जानकारी मिल सके। किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना न भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।